नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भूषण आईटीआई यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम फिटर ट्रेड के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो है सूक्ष्ममापी यंत्र। सूक्ष्ममापी यंत्र है वो फिटर ट्रेड का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि इसके द्वारा जो मापने वाले औजार होते हैं उनके बारे में बताया जाता है इसके अंदर। तो इसलिए एक कुशल फिटर को मापने वाले औजारों के बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह किसी पार्ट्स को अच्छी तरह से माप सके। तो सूक्ष्म मापी यंत्र है, इन चैप्टर को चालू करते हैं कि सूक्ष्म मापी यंत्र। सूक्ष्म मापी किसे कहते हैं? सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, मापी का मतलब होता है मापने वाला, यंत्र का मतलब होता है औजार। तो सूक्ष्म मापी यंत्र के द्वारा किसी माप को छोटे से छोटा मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे सूक्ष्म मापी यंत्र कहते हैं। इसके अंदर भी अलग अलग मापने वाले औजार होते हैं जो मैं आपको आज जिसके बारे में बताऊंगा वो है वर्नियर कैलिपर, जिसको बोलते हैं हम वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर जो कैलिपर है उसके द्वारा किसी जॉब को सूक्ष्मता में मापा जाता है। वर्नियर कैलिपर के द्वारा मेट्रिक पद्धति के अंदर 0.02 mm व इंग्लिश पद्धति, जिसको हम इंच में बोलते हैं, इंच के अंदर 0.001 इंच के द्वारा उसको सूक्ष्मता से मापा जा सकता है। मतलब छोटी से छोटी माप जो अल्पत माप होती है वर्नियर कैलिपर की वो होती है 0.02 mm और इंचों के अंदर होती है 0.001 इंच। वर्नियर कैलिपर होता है उसके द्वारा किसी जोक को बाहर से किसी होल के अंदरूनी व्यास को या किसी गोल जोक के व्यास को मापा जा सकता है, या किसी स्लॉट के अंदरूनी चौड़ाई को भी मापा जा सकता है, या किसी ब्लाइंड होल या किसी स्लॉट की गहराई को भी मापा जा सकता है। तो वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम किसी जॉब की बाहरी माप को या किसी गोल जॉब की बाहरी व्यास को या किसी स्लॉट या अंदरूनी व्यास की चौड़ाई को या किसी स्लॉट की या किसी ब्लाइंड होल की गहराई को मापा जा सकता है। तो इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं धातु की, वर्नियर कैलिपर होता है वो किस मटेरियल से बना होता है। तो वर्नियर कैलिपर होता है बच्चों वो निकल क्रोमियम स्टील से बना होता है, निकल क्रोमियम स्टील से बना होता है। वैसे वेनेडियम स्टील से भी वर्नियर कैलिपर बनाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो काम में लिए जाते हैं वो होता है निकल क्रोमियम स्टील के द्वारा। तो वर्नियर कैलिपर होता है वो निकल क्रोमियम स्टील से बनाए जाते हैं। उसके बाद में आता है, तो आगे हम जो अगला पॉइंट है वो है उसका साइज। तो डियर फ्रेंड्स, वर्नियर कैलिपर होते हैं वो अलग अलग साइज के अंदर होते हैं। कार्य के अनुसार छोटे कार्यों के लिए छोटे वर्नियर कैलिपर काम में लिए जाते हैं और बड़े कार्यों के लिए बड़े वर्नियर कैलिपर काम में लिए जाते हैं। ये भी मेट्रिक पद्धति के अंदर अलग साइज में होते हैं और इंग्लिश पद्धति के अंदर ये अलग साइज में होते हैं। तो डियर फ्रेंड, मेट्रिक पद्धति के अंदर ये जो होते हैं वो 150 mm से लेकर 300 mm तक पाए जाते हैं। इनका जो साइज होता है वो 150 mm से लेकर 300 mm तक होते हैं। और इंग्लिश पद्धति के अंदर, जिसको हम इंचों के अंदर बोलते हैं, इस पद्धति के अंदर ये 6 इंच से लेकर 24 इंच तक साइज में पाए जाते हैं। तो इनका साइज जो होता है वो एमएम के अंदर होता है, 150 mm से लेकर 300 mm तक, 300 mm तक। और इंग्लिश पद्धति जो इंचों में होती है उसमें 6 इंच से लेकर 24 इंच तक साइज में पाए जाते हैं, जो कार्य के अनुसार काम में लिए जाते हैं। उसके बाद में आता है डियर फ्रेंड्स सिद्धांत, कि वर्नियर कैलिपर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वर्नियर कैलिपर होता है वो दो अनुरूप स्केलों के अल्पत माप के अंतर के आधार पर कार्य करता है। दो स्केल होते हैं इसके अंदर, एक मैन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। दोनों का जो अंतर आता है उसके आधार पर इसको बनाया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें एक मैन स्केल के खाने का मान और एक वर्नियर स्केल के खाने का जो मान होता है उसका जो अंतर आता है वो वर्नियर कैलिपर का
अल्पत मांग के कहलाता है कि मैन स्केल के एक खाने का मान और वर्नियर स्केल के एक खाने का मान, दोनों का जो अंतर आता है उसको बोलते हैं अल्पत मांग। तो ये था इसका सिद्धांत कि वर्नियर कैलिपर दो अनुरूप स्केलों के आधार पर बनाया जाता है, जिसमें एक वर्नियर स्केल होता है और एक मैन स्केल होता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड्स बनावट के अंदर, कंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं। इसकी बनावट के अंदर मैंने आपको यहाँ चित्र बना के बता रखा है कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। वर्नियर कैलिपर के अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ फिक्स्ड जा। फिक्स्ड का मतलब होता है स्थिर, जा का मतलब जबड़ा। जो फिक्स्ड जा होता है वो मैन स्केल या जो बीम होती है उसके साथ में स्थिर रहता है, इसलिए इसको फिक्स्ड जा कहा जाता है। ये मैन स्केल के साथ में ही जुड़ा रहता है। उसके बाद में आता है दूसरा मूवेबल जा। मूवेबल को जा का मतलब होता है कि ये मैन स्केल के ऊपर ये जो बीम होती है जितनी लंबाई के अंदर वर्नियर कैलिपर के अंदर उसके ऊपर आगे पीछे स्लाइड होती है, इसलिए इसको मूवेबल जा कहा जाता है। ये पूरी जो लंबाई के अंदर स्केल होती है उसके ऊपर आगे पीछे इसको माप के अनुसार आगे पीछे चलाया जा सकता है। इसी के ऊपर जो स्लाइडिंग भाग होता है वर्नियर कैलिपर का उसी के ऊपर बना होता है वर्नियर स्केल, जो इंचों में अलग होता है और मिलीमीटर में अलग होता है। उसके बाद में आता है उसी स्लाइडिंग भाग के साथ में जुड़ा रहता है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का यहाँ पर जो उपयोग होता है वो वर्नियर कैलिपर के अंदर माप को सूक्ष्मता में सेट करने के लिए काम में लिया जाता है, क्योंकि जब माप लेते हैं वर्नियर कैलिपर के द्वारा तो हाथ के प्रेशर से या दबाव से कभी मूवेबल जा होता है वो ज़्यादा खुल जाता है और कभी कम खुलता है, इसलिए माप लेने के अंदर दिक्कत होती है। इसलिए इसको इसका सॉल्यूशन करने के लिए इसके साथ में फाइन एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है, जिसके द्वारा इसकी माप को सूक्ष्मता से आगे पीछे किया जा सकता है। मतलब मूवेबल जा को माप के करीब लाकर, जिस माप से मापना होता है जितनी माप को उसके करीब लाकर फाइन एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा धीरे धीरे उसको आगे खिसकाया जा सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। उसके बाद का जो पार्ट आता है डियर फ्रेंड्स वो आता है डेप्थ गेज। डेप्थ गेज होता है, इसको डेप्थ बार भी बोलते हैं। डेप्थ बार होती है, डेप्थ का मतलब होता है गहराई, जो गहराई को मापने के लिए काम में लिया जाता है। ये जो डेप्थ बार होती है या डेप्थ गेज होती है वो इसके पीछे जो मेन स्केल होता है उसके पीछे एक आयताकार स्लॉट कटे होती है, पट्टी पूरी उसके अंदर फिट होती है और ये लास्ट में जाकर मूवेबल जो जा होती है उसके साथ में फिक्स रहती है। जैसे जैसे मूवेबल जा स्लाइड करेगा या उसको चलाएंगे वैसे वैसे ही डेप्थ जो बार है वो आगे पीछे स्लाइड होगी उसके अंदर। तो डेप्थ बार का प्रयोग है वो किसी स्लॉट के अंदर या किसी ब्लाइंड होल के गहराई को मापने के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद में ये जो बताया मैंने बीम और मैन स्केल, तो मैंने बताया कि ये जो पूरा भाग है जिसके ऊपर गेरेशन लिखी होती है, माप लिखी होती है, उसको बीम बोलते हैं या इसको मैन स्केल भी कहा जाता है। उसके बाद में आता है फाइन एडजस्टिंग यूनिट, जो अभी मैंने बताया था कि सूक्ष्मता से माप को सेट करने के लिए काम में लिया जाता है, कि माप को सही स्थिति में या सूक्ष्मता में उसको सेट किया जा सकता है। उसके बाद में आता है फ्रेंड्स लॉकिंग स्क्रू। लॉकिंग का मतलब लॉक करना, बंद करना। माप को माप लेने के बाद में मूवेबल जा को एक जगह स्थिर करने के लिए कि माप है वो माप पढ़ते समय मूवेबल जा है वो मूव ना हो, इसलिए उस भाग को क्या कर देते हैं या मूवेबल जा को क्या कर देते हैं, लॉकिंग स्क्रू के द्वारा उसको लॉक कर देते हैं, जिससे मूवेबल जा होता है वो अपने स्थान से मूव नहीं करता है, इसलिए माप को अच्छी तरह से पढ़ा जा सकता है। तो लॉकिंग स्क्रू का प्रयोग होता है वो स्लाइडिंग यूनिट को लॉक करने के लिए, किसी निश्चित माप के ऊपर लॉक करने के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद में जो अगला पार्ट्स आता है वो आता है इनर मेजरिंग निप्स। इनर का मतलब होता है अंदरूनी
मेजरिंग्स का मतलब मापने वाली, निप्स का मतलब जो पॉइंट है इनके, तो ये जो पॉइंट है ये किसी जॉब के अंदरूनी भाग को चौड़ाई को मापने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे कोई जॉब का स्लोट है इस प्रकार से, तो उसके भाग को, चौड़ाई वाले भाग को मापने के लिए इस निप्स का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको इनर निप मेजरिंग निप्स कहा जाता है। तो ये थे वर्नियर कैलिपर के सारे पार्ट्स जो मैंने आप लोगों को अलग अलग बता दिए। ये फिक्स जा है, ये मूवेबल जा है पार्ट्स, ये वर्नियर स्केल है, ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है, ये डेप्थ गेज, इसको डेप्थ बार भी बोलते हैं, बीम और मेज, ये डेप्थ बार है, ये मूवेबल जा के साथ में जुड़ी रहती है। ये बीम और मेन स्केल है, ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है, लॉकिंग स्क्रू है और इनर मेजरिंग निप्स होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि वर्नियर कैलिपर का अल्पत माप, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 0.02 mm, ये अल्पत माप के क्या होता है, अल्पत माप का मतलब होता है लिस्ट काउंट, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट काउंट। तो किसी मापने वाले औजार के द्वारा कम से कम जो माप ली जाती है उसके द्वारा, उससे बोलते हैं अल्पत माप या लिस्ट काउंट कहा जाता है। जैसे अपन स्केल के द्वारा माप लेते हैं तो उसके द्वारा हम कम से कम जो माप, जैसे आधा एमएम मापते हैं उसके द्वारा कम से कम, तो वह उसका अल्पतमांक कहलाता है। उसी प्रकार से वर्नियर कैलिपर का जो अल्पतमांक होता है वो होता है 0.02 mm में होता है, और 0.001 वो होता है इंचों में होता है, वो उसका डिस्काउंट कहलाता है। तो ये था वर्नियर कैलिपर के बारे में जो जानकारी थी। उसके बाद में अगले जो वीडियो में मैं आप लोगों को उसके जो मेजरिंग किस प्रकार से ली जाती है, उसकी रीडिंग किस प्रकार से ली जाती है, वो सब बताऊंगा। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बातें रहती है वर्नियर कैलिपर के अंदर, जो अधिकतर एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, वो इसमें आता है कि एक तो इसकी धातु की वर्नियर कैलिपर होता है वो किस धातु से बना होता है, उसके बाद में इनका साइज भी होता है कि किस साइज के अंदर वर्नियर कैलिपर पाए जाते हैं, मीट्रिक पद्धति में क्या साइज होता है और इंचों के अंदर इसका साइज क्या होता है। सिद्धांत भी पूछा जाता है कि वर्नियर कैलिपर होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो दो अनुरूप स्केलों के आधार पे कार्य करते हैं। और अल्पतमाप जो मेन इम्पोर्टेंट होता है, ये इसका अल्पतमाप होता है कि वर्नियर कैलिपर के द्वारा कम से कम कितनी सूक्ष्मता से माप को मापा जा सकता है। बाकी जो पार्ट्स हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। थैंक यू।